आज बात करते हैं दोस्तों लाइट पेंटिंग के बारे में। बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स ने कहा कि सर एक वीडियो बनाइए लाइट पेंटिंग पे और हमें वो टेक्निक भी सिखाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सभी बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए हम लाइट पेंटिंग करें, जिससे आपको समझने में आसानी हो किस तरह से आप भी जो है खूबसूरत लाइट पेंटिंग वाली इमेजेस अपने स्टूडियो में या जहाँ भी आप शूट करें अच्छे से क्रिएट कर सके। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों बात करते हैं हम अपने इजी स्टेप्स की। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप लाइट पेंटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे ट्राईपॉड की। तो जो भी ट्राईपॉड इस वक्त आपके पास में है एज अ बिगनर, आप उस ट्राईपॉड को यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके बगैर आप अच्छे पिक्चर्स नहीं निकाल पाएंगे। अब क्यों, उसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सो पहली चीज़ है ट्राईपॉड, दूसरी चीज़ है हमारा लाइटिंग सोर्स। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मिनिमम सेटअप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स हैं उनके पास में काफ़ी सेटअप नहीं होता है या काफ़ी लाइट्स जो हैं वो नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास मिनिमम एक भी लाइट है तो आप उससे काम चला सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरी 500 वॉट की लाइट, और साथ में एक आप देख रहे हैं लाइट शेपिंग टूल जो कि है ब्यूटी डिश। तो ये हमारा आज का सिंपल लाइटिंग सोर्स है। जब भी आप लाइट पेंटिंग करें तो ध्यान रखेंगे, अगर आप डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट उस पिक्चर्स को शूट करेंगे तो लाइट पेंटिंग का इफेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से निकल के आता है। तो आप पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर हम शूट कर रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट, और मैं मॉडल को जो है ब्लैक बैकग्राउंड से ऑलमोस्ट 6 से 7 फीट दूर खड़ा करूँगा, ताकि ब्लैक जो है मैं अच्छे से बिल्कुल ब्लैक कलर निकल के आए, और जो भी हम जिस भी लाइट सोर्स से हम लाइट को पेंट करेंगे उसका इफेक्ट भी जो है काफ़ी खूबसूरती से निकल के आए। टेक्निक पर बात करने से पहले दोस्तों हम मिलते हैं हमारी मॉडल से ध्वनि से, और ध्वनि एक बार फिर हमारे साथ में जो है शूट कर रही है। ये मैंने लगा दिया है ध्वनि का इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। और कौसर पीस का मेरा थोड़ा सा टचअप करना है हल्का सा, और दोस्तों कौसर ने जो है आज का मेकअप किया है ध्वनि का, और हेयर स्टाइल भी जो है आज कौसर ने ही की है, और कौसर का भी मैंने ऊपर लगा दिया है इंस्टाग्राम आईडी, तो वहाँ पर आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निक की। दूसरा जो टेक्निक है वो दोस्तों इस वक्त मैंने ब्यूटी डिश जो मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ एज अ लाइट सोर्स, यहाँ पे मैंने अभी मॉडलिंग लैंप को ऑन किया हुआ है ताकि मैं अपने कैमरा से जो है फोकस अच्छे से लॉक कर सकूँ, और जब मैं एक्चुअल शॉट लूँगा तो वहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका मॉडलिंग लैंप है वो होना चाहिए ऑफ। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो इमेज जो है उसमें थोड़ा सा टेल इफेक्ट आएगा। तो बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप शॉट लें एक्चुअली तो ये करना है आपको मॉडलिंग लैंप ऑफ, ताकि सिर्फ फ्लैश ही फायर करे। और जो हमारा तीसरा स्टेप रहेगा दोस्तों वो ये कि अब हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम लाइट पेंटिंग वाला इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकें। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ देखिए मेरी एक गोडॉक्स की लाइट, और यहाँ से मैं इस लाइट को ऑन करूँगा देखिए इस तरह से। तो ये आप छोटा सा होल देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है लाइट की बीम निकलेगी और हम मॉडल के इस तरह से जो है पीछे से धीरे धीरे मूव करेंगे और लाइट को पेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इफेक्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगा। ये अभी मैं आपको पूरा शॉट लेके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ताकि आप बिल्कुल इस तरह से अच्छे से लाइट को पेंट कर पाएंगे इस तरह की फोटोग्राफी के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स है। उसके बाद जो है अगला इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा वो दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे टेदर शूटिंग। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना कैमरा जो है अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, और अब मैं लेता हूँ फ्रेंड्स सबसे पहले फोकस को लॉक करता हूँ, और ताकि मेरा फोकस लॉक हो जाए उसके बाद मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगा कि वो जो है लाइट को पीछे से अच्छे से पेंट करे, और जब मैं एक्चुअल शॉट लूँगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यह है दोस्तों कि आपको पूरा जो अपना स्टूडियो या रूम जहाँ भी आप लाइट पेंटिंग कर रहे हैं उसे रखना है कम्प्लीटली डार्क, यानी कि वहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ मैंने कर लिया है अपना फोकस को अच्छे से लॉक, क्योंकि मेरा मॉडलिंग लैंप ऑन था। अब मैं जो मॉडलिंग लैंप है उसे अपने स्टूडेंट को बोलूँगा ऑफ करने के लिए, तो प्लीज़ स्विच ऑफ। तो मॉडलिंग लैंप है अब हो चुका है ऑफ, यानी कि अब जब हम फायर करेंगे तो ओनली फ्लैश ही फायर होगा। तो अब दोस्तों हमारा शॉट रेडी है। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि मैं शूट कर रहा हूँ करीब, मेरी शटर स्पीड वो मैंने कर दी है एकदम डाउन, यानी कि मैं शूट कर रहा हूँ 10 सेकेंड्स मैंने टाइम रखा है इसमें। और अब जो हमारा स्टूडेंट है प्रीतम वो पीछे से लाइट पेंट करने की कोशिश करेगा। तो पहले मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, फिर मैं एक्चुअल शॉट लूँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे जो है लाइट को करना पड़ेगा कम्प्लीटली ब्लैकआउट करना पड़ेगा पूरा स्टूडियो। तो एक बार प्रीतम आप थोड़ा सा डेमो दिखाइए वहाँ पर किस तरह से लाइट पेंट करेंगे आप। तो ये देखिए लाइट इस तरह से निकल रही है बीम में से, जैसा मैंने आपको बताया, और ये पीछे जाएंगे मॉडल के,
और इस तरह से स्लोली मॉडल के बैक साइड में जो है लाइट को धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं इस तरह से पेंट करेंगे ताकि जो इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत सा निकल के आए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी शटर स्पीड है इस वक्त 10 सेकेंड्स और मैं शूट कर रहा हूँ F11 पे और ISO रखा है मैंने अपना 100। अब लेते हैं फाइनल शॉट, रूम को करेंगे डार्क, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। तो यहाँ दोस्तों अब रूम कम्प्लीटली डार्क हो चुका है और लेते हैं हम शॉट। तो यहाँ पर अब मेरा एक स्टूडेंट है जो कि 5-in-1 रिफ्लेक्टर पकड़ा उसने और वो मॉडल के थोड़े से हेयर को हिला रहा है ताकि हेयर थोड़े से एयर में नज़र आए और ये मैंने शटर को प्रेस किया और पीछे से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लाइट पेंट हो रही है और फाइनली देखते हैं कि शॉट जो है हमें किस तरह का मिलता है। उम्मीद है ये शॉट थोड़ा अच्छा निकल के आएगा और ये देखिए शॉट हमारा कंप्लीट हुआ। सो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो पिक्चर हमें काफ़ी खूबसूरत मिला है, हालांकि हम इसे और भी अच्छी तरीके से ले सकते थे बट ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि लाइट पेंटिंग कैसे की जाती है। तो बहुत ईजी टेक्निक है और आप भी इसे अगर ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर कि आप इससे भी बहुत अच्छी पिक्चर्स अचीव कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको लगा होगा अच्छा और ये टेक्निक जो है आप बिल्कुल फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर या मुझे आप बाद में मैसेज भी कर सकते हैं कि क्या आपके संग ये टेक्निक सक्सेसफुल रही या नहीं रही। और अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।